हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीटेट से संबंधित है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो पिछला वीडियोस मेरा कटअप का बना था बीटेट पे 6 to 8 के लिए, उसमें एक करेक्शन सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ। जो विषय था मनोविज्ञान, गणितीय विज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत का, यहाँ सामान्य पुरुष के लिए 80.80 हो गया था, यहाँ 88 होगा, 88.80। कमेंट में मैंने किसी का कमेंट पिंच भी कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं या इसको देख के आप संतुष्ट हो ले। अब चलते हैं 1 to 5 का देखते हैं, 1 to 5 में क्या कटअप जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम पुराने अपडेट्स जान लेते हैं। ये एग्जाम 150 क्वेश्चन का हुआ था, उसमें सामान्य पुरुष के लिए 60% लाना अनिवार्य था, जिसका उत्तीर्ण अंक 90 हुआ। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त, इनको 55% लाना अनिवार्य था, इनका उत्तीर्ण अंक 83 रखा गया था। अगर 150 का 55% निकालते हैं तो 82.50 आता है, तो इसको 83 माना गया है, यानी 50 आने पे एक अंक आगे मान लिया जाता है, यानी 82 ना रख के 83 माना गया है। मे बी यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर 50 से नीचे रहता है तो 82 माना जा सकता है, यह भी कंफर्म नहीं है। आप हिंदी क्लब के साथ बने रहें, जब कंफर्म होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50% लाना अनिवार्य था, इनका उत्तीर्ण अंक 75 है। तो चलिए जो अभी संशोधित आंसर की आया है उस पे क्या कटअप बन रहा है, यानी क्या उत्तीर्ण अंक होगा और क्या संशोधन हुआ है, पूरा डिटेल से देखते हैं क्वेश्चन वाइज। आप शुरू से जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं मनोविज्ञान का क्वेश्चन, गणित का क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी तथा अंग्रेजी विषय वालों के लिए। इनका टोटल मार्क्स 142 होगा, जिसमें रॉन्ग था मनोविज्ञान का 1, पर्यावरण अध्ययन का 1, हिंदी का 1 और अंग्रेजी का 5, यानी टोटल रॉन्ग हो गए 8 क्वेश्चन, इसलिए यहाँ टोटल मार्क्स लिखा गया है 142। अगर इनका उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो सामान्य पुरुष के लिए 85.20, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त के लिए 78.10, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 71। अब इसमें क्या संशोधन हुआ है क्वेश्चन में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बोर्ड द्वारा मॉडल उत्तर से भिन्न मनोविज्ञान में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर पहले दिया गया था, परिपक्वता अनुवंशिकता से संबंधित है। अभी इसका आंसर दिया गया है, परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकल्प गलत या अस्पष्ट मनोविज्ञान से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? तो इसे गलत कर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया था अर्थ निर्माण, तो इस प्रश्न को गलत की श्रेणी में डाल दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये गणित से संबंधित है, एक से अधिक उत्तर हैं इसके, सी तथा डी। पहले इसका उत्तर डी दिया गया था। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने 5वीं कक्षा के बच्चों को पिछला एक समाचार पत्र वितरित करते हुए बल्लेबाज के स्कोर संबंधी सूचना एकत्र करने के पश्चात उस सूचना पर दंडारे खींचने को कहा। शिक्षिका प्रयास कर रही थी। इसका आंसर दिया गया था डी। वास्तविक जीवन तथा गणित के बीच संबंध समझने में बच्चों की सहायता करने का। अभी इसका आंसर है सी और डी दोनों। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न संबंधित है पर्यावरण अध्ययन से। पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन क्षमताओं का विकास किया जाता है? पहला अवलोकन, दूसरा तुलना, तीसरा विश्लेषण और दूसरा परीक्षा। तो इसमें मुद्रण त्रुटि है, 2 2 बार 2 ये जो लिखा गया है इसका उपयोग किया गया है, शायद इसीलिए इसे मुद्रण त्रुटि में डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोर्ड द्वारा मॉडल उत्तर से भिन्न, पर्यावरण अध्ययन से ही संबंधित है ये भी। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? इसका पहले आंसर दिया गया था पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। अभी इसका आंसर दिया गया है पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा।
इसमें आगे बढ़ते हैं, को देखते हैं। एक हिंदी का क्वेश्चन है जिसका एक से अधिक उत्तर दिया गया है। किसी भी भाषी कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण है, इसका पहले आंसर दिया गया था सार्थक अभ्यास, अभी बी और सी यानी अनुकरण की कुशलता, ये दोनों आंसर दिया गया है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो हिंदी से संबंधित एक और प्रश्न है, विकल्प गलत या अस्पष्ट, ये हिंदी से ही है। बिहार की हिंदी भाषा की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर पहले दिया गया था डी भाषा सरिता भाग 2, अभी इसे विकल्प गलत या अस्पष्ट के कारण रॉन्ग की श्रेणी में डाला गया है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक अंग्रेजी का भी क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले ए दिया गया था, अभी बी भी दिया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर अंग्रेजी का ए और बी दोनों बोर्ड के अनुसार दिया गया है। तो ये चेंजिंग किया गया था इस विषय में। अब चलते हैं आगे, जिनका विषय मनोविज्ञान गणित पर्यावरण अध्ययन हिंदी तथा उर्दू है, उनका टोटल मार्क्स 145 होगा, जिसमें रॉन्ग है मनोविज्ञान 1, पर्यावरण अध्ययन 1, हिंदी 1, उर्दू 2। मुझे उर्दू नहीं आती इसलिए उर्दू का मैं प्रश्न नहीं दिखा पाऊंगा, बाकी प्रश्न मैंने ऑलरेडी दिखाया है। सामान्य पुरुष का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 87 है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग महिला निःशक्त का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 79.75 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 72.50 है। जिनका मनोविज्ञान गणित पर्यावरण अध्ययन हिंदी तथा मैथिली है, उनका टोटल मार्क्स 147 हो सकता है, इनमें रॉन्ग मनोविज्ञान 1, पर्यावरण अध्ययन 1, हिंदी 1 है। सामान्य पुरुष का देखा जाए तो उत्तीर्ण अंक 88.20 हो सकता है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग महिला निःशक्त 80.85 हो सकता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्तीर्ण अंक 73.50 हो सकता है। बोर्ड द्वारा मॉडल उत्तर से भिन्न मैथिली का एक प्रश्न है, इसका पहले आंसर दिया गया था ए टोटमा, अभी इसका आंसर है बी सिनेहिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिनका मनोविज्ञान गणित पर्यावरण अध्ययन हिंदी तथा बंगला है, उनका टोटल मार्क्स 147 हो सकता है, जिसमें रॉन्ग देखा जाए तो मनोविज्ञान 1, पर्यावरण अध्ययन 1, हिंदी 1 है। इसमें सामान्य पुरुष का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 88.20 है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग महिला निःशक्त का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 80.85 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 73.50 है। इसी विषय का सेट डी देखा जाए उसमें एक प्रश्न बंगला में गलत बताया गया है, इसमें मनोविज्ञान गणित पर्यावरण अध्ययन हिंदी तथा बांग्ला है सेट डी का, टोटल मार्क्स इनका 146 पे बन सकता है, इसमें रॉन्ग देखा जाए तो मनोविज्ञान 1, पर्यावरण अध्ययन 1, हिंदी 1, बंगला 1 है। इसमें सामान्य पुरुष का उत्तीर्ण अंक देखा जाए तो 87.60 हो सकता है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग महिला निःशक्त का 80.30 हो सकता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 73 उत्तीर्ण अंक हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिसके उत्तर मॉडल उत्तर से भिन्न है तथा जिसके दो आंसर है उसको भी इसमें इंक्लूड करके बताया गया है, यानी उसको भी टोटल मार्क्स में इंक्लूड करके बताया गया है, इनमें से केवल रॉन्ग को हटाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें, ओके बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।